सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो है हम जो फ्यूजन वाला पार्ट था प्रोटोप्लास्ट का वो कंप्लीट कर लिए हैं। फ्यूजन का सिलेक्शन कैसे होता है, सिलेक्शन ऑफ हाइब्रिड सेल्स भी हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें बायोकेमिकल मेथड, विजुअल मेथड और साइटोमेट्रिक मेथड, ये तीन मेथड्स के द्वारा हम किस प्रकार से अपने फ्यूज्ड प्रोटोप्लास्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं, ये भी हमने देख लिया। आज मैं आप लोग को पढ़ाने वाली हूँ साइब्रिड्स के बारे में। जब मैंने आप लोगों का प्रोटोप्लास्ट स्टार्ट किया था, तो प्रोटोप्लास्ट जब स्टार्ट किया था तो मैंने आप लोगों को साइब्रिडाइजेशन के बारे में भी बताया था कि साइब्रिडाइजेशन किसे बोलते हैं, साइब्रिड किसे बोलते हैं। तो आप लोगों को याद होगा अगर, या फिर नहीं याद है तो एक बार मैं फिर से एक बार इसे बता देती हूँ कि हम साइब्रिडाइजेशन किस चीज के लिए यूज किए थे। तो साइब्रिडाइजेशन हम यूज किए थे जब हम एक नॉर्मल प्रोटोप्लास्ट को एक ऐसे नॉर्मल, ये हमारा नॉर्मल प्रोटोप्लास्ट है, ठीक है, सेल वॉल नहीं है इसके ऊपरी कवरिंग में, तो ये नॉर्मल प्रोटोप्लास्ट है। और दूसरी तरफ हमारा एक ऐसा प्रोटोप्लास्ट है जिसमें न्यूक्लियस नहीं है, एक नॉर्मल प्रोटोप्लास्ट है जिसके पास न्यूक्लियस है, और एक आपका ई न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लास्ट है, जो कि कैसा प्रोटोप्लास्ट है, प्रोटोप्लास्ट तो है लेकिन उसके पास न्यूक्लियस नहीं है सेंटर में, तो ई न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लास्ट है ये। तो एक नॉर्मल प्रोटोप्लास्ट और एक ई न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लास्ट, जब हम दोनों को मिलाकर नया प्रोटोप्लास्ट बनाते हैं तो वो बनने वाला जो फलस्वरूप प्रोटोप्लास्ट होता है उसे हम साइब्रिड कहते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, साइब्रिड। और इस पूरी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो प्रोसेस हो रही है उसे हम बोलते हैं साइब्रिडाइजेशन। ये जब मैंने आप लोग की क्लास स्टार्ट की थी प्रोटोप्लास्ट के बारे में पढ़ाना, तब हम लोगों ने फर्स्ट डे जब इंट्रो पढ़े थे तब हम लोगों ने एक छोटा सा डिस्कशन इसके बारे में किया था। हम इसी के बारे में ही आज डील करके अच्छे से फोकस करके पढ़ने वाले हैं। तो साइब्रिड्स की अगर बात की जाए तो साइब्रिड्स क्या है, तो साइब्रिड जो है द साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड्स वेयर द न्यूक्लियस इज डिराइव्ड फ्रॉम ओनली वन पेरेंट। साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड, देखो प्लांट बायोटेक में या फिर प्लांट से रिलेटेड जब हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं तो बहुत सारे नाम आते हैं, इन सभी नामों को याद रखना एक बहुत बड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है, लेकिन हम लोगों को याद रहेगा चीजें तब जब हम टर्म्स को समझेंगे। जैसे देखो साइब्रिड्स या ई न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लास्ट, नाम से हमको याद रहेगा ना तो हम उसकी प्रोसेस को भी आराम से समझ सकते हैं। यहाँ पर एक वर्ड आया अभी साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड्स। ये साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड क्या है, अब साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड साइब्रिड को ही बोला जा रहा है। अब ये साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड क्यों बोला जा रहा है साइब्रिड को, आप तो बोलेंगे कि मैडम अभी तो आपने ये बताया साइब्रिड वो होते हैं जो नॉर्मल एक प्रोटोप्लास्ट और एक ई न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लास्ट से मिलकर बनता है, जो नया प्रोटोप्लास्ट वो साइब्रिड है। तो ये साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड कहाँ से आया है, साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड उसका ही नाम है, दूसरा नाम है उसका, ठीक है, जैसे कि आप लोग का एक निकनेम होता है और एक रियल नेम होता है, वैसे ही साइब्रिड और साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड। साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड इसलिए बोला जा रहा है, इसे रीजन यहाँ पर साइटोप्लाज्मिक का रीज बोलने का रीजन यहाँ पर ये है क्योंकि अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पर जो न्यूक्लियस है वो सिर्फ एक पेरेंट से मिल रहा है, उसे मेल और फीमेल का जब क्रॉस होता है तो बेबी होता है, डॉटर होती है, डॉटर सेल बनते हैं, ये तो हमको पता था, लेकिन आप एक माता में क्या है, एक पेरेंट में न्यूक्लियस है दूसरे पेरेंट में न्यूक्लियस नहीं है, ये चीज को यहाँ पर ध्यान में रखते हुए इसका नाम साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड कहा गया है, जहां पर जो न्यूक्लियस है वो सिर्फ केवल एक पेरेंट से आपको प्राप्त हो रहा है और जो साइटोप्लाज्म है वो दोनों से प्राप्त हो रहा है। साइटोप्लाज्म किसे बोलते हैं, आपका ये कोशिका है, कोशिका के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर और कोशिका के अंदर मतलब यहाँ पर जो लिक्विड भरा होता है इसे हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ये मैंने आप लोगों को एक बार और क्लियर किया था, बताया था इसके बारे में। तो ये जो साइटोप्लाज्म दोनों से मिल रहा है क्योंकि न्यूक्लियस नहीं है, यहाँ पर साइटोप्लाज्म तो है और इसमें भी है साइटोप्लाज्म, तो दोनों साइटोप्लाज्म दोनों पेरेंट्स से प्राप्त हो रहा है लेकिन न्यूक्लियस केवल एक पेरेंट से प्राप्त हो रहा है, इसलिए इसे साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड कहा जाता है।
और इन्हें शॉर्ट फॉर्म में साइब्रिड भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, और ये जो प्रोसेस चलती है जिसमें एक नॉर्मल प्रोटोप्लास्ट और एक इन्यूक्लिडेड प्रोटोप्लास्ट हिस्सा लेते हैं और साइब्रिड का निर्माण करते हैं, तो ये जो प्रोसेस है हमारी, इस प्रोसेस को हम साइब्रिडाइजेशन की प्रक्रिया कहते हैं, इस फिनोमिना को साइब्रिडाइजेशन कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसमें इसको करने के लिए किन-किन चीजों का ध्यान रखना होता है। कभी भी याद रखेंगे, आपका कभी भी अगर साइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस हो रही है तो साइब्रिडाइजेशन या साइब्रिड का प्रोडक्शन करवाना है हम लोगों को, साइब्रिड बनाना है, तो कभी भी इस चीज का ध्यान रखेंगे कि हम लोगों को दो ऐसी प्रजातियों के प्रोटोप्लास्ट को लेना है जो डिफरेंट डिफरेंट हो। अर्थात ऐसा कि अगर आप एक गुलाब का ले रहे हैं प्रोटोप्लास्ट तो एक आप गेंदे का ले लीजिए, तो प्रोटोप्लास्ट जो है दो डिफरेंट डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट स्पीशीज से लेना है, डिफरेंट प्रजातियों के प्रोटोप्लास्ट को आपको लेकर इन्हें क्या करवाना है, साइब्रिडाइजेशन करवाना है, और उसके फलस्वरूप आपका क्या, किसका निर्माण होगा, साइब्रिड का निर्माण होगा। ठीक है, तो फाइलोजेनेटिक रूप से मतलब कंप्लीट फाइलोजेनेटिक रूप से मतलब उनके आकार और प्रकृति में चेंजेस हो, वो फाइलोजेनेटिक रूप से जो दो स्पीशीज अलग अलग होंगे ऐसे दोनों स्पीशीज को मिलाकर हम क्या बनाते हैं, साइब्रिड बनाते हैं। ठीक है, हाइब्रिड एंड सोमेटिक इनकम्पैटिबिलिटी, अब इसमें देखते हैं, एक बताया गया है हाइब्रिड एंड सोमेटिक इनकम्पैटिबिलिटी। ठीक, चलो, मेनी अ टाइम्स प्रोडक्शन ऑफ फुल फ्लेज्ड हाइब्रिड्स थ्रू फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट ऑफ डिस्टेंटली रिलेटेड हायर प्लांट स्पीशीज रादर डिफिकल्ट ड्यू टू इनस्टेबिलिटी ऑफ द टू डिसिमिलर जीनोम्स इन अ कॉमन साइटोप्लाज्म। तब जब पुराने जमाने में क्या होता था, जब कभी भी हम लोगों को एक अच्छा हाइब्रिड बनाना होता था तो हम क्या करते थे, हाइब्रिड कैसे बनाते थे पहले के टाइम में, कि आपका गुलाब का हाइब्रिड बनाना है तो गुलाब का पौधे का ही दूसरे गुलाब के पौधे साथ ही करेंगे, दूसरा पौधा हम लेते ही नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो डिफिकल्ट होता था ऐसा प्रोसेस, और सक्सेस नहीं मिलता था, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी साइंटिस्ट लोगों को, और हाँ, जो प्लांट ब्रीडर्स रहते थे जो ब्रीडिंग करवाने का काम करते थे उनको भी बहुत इश्यू होते थे जब वो अलग अलग स्पीशीज के अलग अलग प्रजाति के पौधों के प्रोटोप्लास्ट को लेकर वो क्या करवाते थे, फ्यूज करवाते थे, तो फ्यूजन नहीं हो पाता था, या होता था तो बहुत मुश्किल से होता था, और हो भी जाता था अगर अच्छे से तो वो सक्सेस अच्छा नहीं हो पाता था, उससे पूरा प्लांट बन नहीं पाता था। तो इसके लिए क्या किया जाने लगा कि सोमैटिक इनकम्पैटिबिलिटी, इसके लिए एक वर्ड यूज किया गया, सोमैटिक इनकम्पैटिबिलिटी। सोमैटिक इनकम्पैटिबिलिटी क्यों, इनकम्पैटिबल मतलब नहीं जम रहा है दोनों का। अब गुलाब के पौधे का आप गेंदे के पौधे से कराएंगे तो गुलाब दिखने में अलग है, कलर अलग है, पत्ती का शेप अलग है, गेंदा सेम टू सेम नहीं है दोनों, तो ये इनकम्पैटिबिलिटी है दोनों में। ठीक है, सोमैटिक इनकम्पैटिबिलिटी बोलते हैं। सोमैटिक इनकम्पैटिबिलिटी होने की वजह से क्या होता है था कि बहुत डिफिकल्ट होता था चीजें, अगर आप दोनों अलग अलग प्रजाति के सोमैटिक इनकम्पैटिबल स्पीशीज को ले रहे हैं जो एकदम डिफरेंट डिफरेंट है, एक तरफ अगर मान लीजिए आप धतूरा जो आप पूजा करते हैं तो शिव जी में जो चढ़ाते हैं जो धतूरा है, धतूरे का आप क्रॉस करवा सकते हैं क्या, हाइब्रिड बना सकते हैं धतूरे और रोज का मिलाकर, नहीं ना, नहीं होता था, लेकिन आज के डेट में हम ट्राई जरूर कर सकते हैं, भले सक्सेस ना हो लेकिन हम कर सकते हैं ऐसा, पहले तो हम कर भी नहीं सकते थे, सोचने सोच भी नहीं सकते थे। तो ये कैसे हुआ, ये सोमैटिक इनकम्पैटिबिलिटी की प्रॉब्लम होती थी बहुत कि दोनों इनकम्पैटिबल हैं तो कैसे होगा, तो हाइब्रिड्स फॉर्म डिस्पाइट सोमैटिक इनकम्पैटिबिलिटी में एग्जिबिट स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंटल एबनॉर्मेलिटीज। लेकिन फिर भी लोग क्या करते थे, चलो ठीक है सोमैटिक इनकम्पैटिबिलिटी है तो क्या हुआ, चलो गेंदे का और गुलाब का करवा ही देते हैं, ठीक है सोमैटिक इनकम्पैटिबिलिटी है जानते हैं, फिर भी दोनों अलग अलग हैं फिर भी करवा देते, चलो कर दिए दोनों का, किसका करवा दिए, चलो रोज का करवा दिए हम किससे, मैरीगोल्ड से। लेकिन जो क्रॉस होने के बाद जो हाइब्रिड बना वो कैसा हाइब्रिड बनता था कि एक तो उसमें डेवलपमेंट नहीं होता था,
दूसरा उनमें स्ट्रक्चरल जो है, स्ट्रक्चर जो है सही स्ट्रक्चर नहीं आता था। तो नो स्ट्रक्चर, नो डेवलपमेंट एंड नो स्ट्रक्चर, अच्छा स्ट्रक्चर भी नहीं, अच्छा डेवलपमेंट भी नहीं, तो क्या फायदा हुआ फिर करवाने का, इतना मेहनत करने का कोई फायदा ही नहीं हुआ। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था प्लांट ब्रीडर्स के लिए, साइंटिस्ट लोगों के लिए, कि हम क्या करें अब, कि हम इतना सब चीजें तो कर रहे हैं बट हमको सक्सेस नहीं मिल पा रहा है, तो क्या करें उसके लिए। तो कुछ जनरेशन के बाद, कुछ समय के बाद जो है, और रिसर्च हुए, प्रैक्टिसेस किए कुछ साइंटिस्ट लोगों ने कि कुछ तो इसके लिए करना पड़ेगा। तो सोचा गया कि एक काम करते हैं ना, ये जो सोमैटिक इनकम्पैटिबिलिटी है वो क्यों आती है, अब जो आपका रोज है वो मैरीगोल्ड से डिफरेंट क्यों, क्योंकि रोज में अलग जीन्स है और मैरीगोल्ड में अलग जीन्स है, ये तो हमको पता है। अब मैं और नमन इसलिए अलग अलग है, नमन के जीन्स और नमन के डीएनए अलग है, मेरा जीन और मेरा डीएनए अलग है, राइट, इसलिए हम दोनों अलग हैं। हम दोनों के प्रोटोप्लास्ट का, जैसे मान लीजिए वो और मैं प्लांट है, नमन एक प्लांट है, मैं एक प्लांट हूँ, हम दोनों के प्लांट के प्रोटोप्लास्ट का नहीं हो पा रहा है, क्यों, फ्यूजन, बिकॉज उसका जीन्स और डीएनए अलग है, मेरा और जीन्स और डीएनए अलग है। तो साइंटिस्ट लोगों ने सोचा क्यों ना इनके जो जीन्स हैं, इनमें जो इनकम्पैटिबिलिटी पाई जा रही है, उनको थोड़ा सा उनके लिए कुछ करते हैं, तो शायद कुछ करने से फ्यूजन हो जाए, और फ्यूजन हो जाए तो अच्छा फ्यूजन हो, तो अच्छा रिजल्ट भी मिले, ठीक है। तो सेवरल जनरेशन में भी रिक्वायर्ड टू एलिमिनेट द अनडिजायरेबल जीन, लेकिन वो सिर्फ सोच थी है। जीन्स को हटाना, गुलाब के वो जीन्स को हटा देना जो कि एकदम डिफरेंट है, मैरीगोल्ड के वो जीन को हटा देना जो डिफरेंट है, वो क्या था, बहुत लंबी प्रोसेस थी जो बहुत टाइम बाद ही हो सकती थी और बहुत एडवांस तरीके से हो सकती थी, पहले के जमाने में पॉसिबल नहीं था ऐसा। अभी तो फिर भी हम सोच सकते हैं, लेकिन अभी भी ऐसा नहीं है कि आप उसको एकदम से हटा दिए जीन्स को, ठीक है। तो साइब्रिडाइजेशन यूज किया जाएगा, साइब्रिडाइजेशन ड्यू टू दिस लिमिटेशन इन सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, इसी सोमैटिक इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन करवाने में भी प्रॉब्लम होती थी। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन किसको बोलते हैं, जब हम दो अलग अलग प्रजाति के प्रोटोप्लास्ट को लेकर नया प्रोटोप्लास्ट बनाते हैं तो वो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। तो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन करने में भी तो प्रॉब्लम हो रहा है ना, क्योंकि अलग अलग प्रजाति के नहीं करवा पा रहे हैं हम, इसीलिए क्या किया गया, साइब्रिडाइजेशन करना स्टार्ट किया गया, जिसमें साइब्रिडाइजेशन में ऐसा प्रोसेस रखा गया कि एक तरफ ऐसा प्रोटोप्लास्ट लेंगे जो नॉर्मल रहेगा और एक तरफ ऐसा प्रोटोप्लास्ट लेंगे जिसमें न्यूक्लियस ही नहीं रहेगा। क्यों, क्यों नहीं रहेगा न्यूक्लियस, क्योंकि जो भी फंडा है, जो भी प्रॉब्लम हो रही है, जो भी दिक्कत हो रही है, वो जीन के तरफ से डीएनए के तरफ से हो रही है। तो एक काम ने क्या कर दिया, डीएनए और जीन वाला पार्ट ही हटा दिया, कैसे, ये प्रोटोप्लास्ट है नॉर्मल वाला, ध्यान से देखेंगे, ये प्रोटोप्लास्ट है जिसमें न्यूक्लियस ही नहीं है, न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है, डीएनए, जीन, क्रोमोसोम, सब रहता है उसी में। अब दोनों को क्रॉस करवाया, नया प्रोटोप्लास्ट बना, साइटोप्लाज्म तो दोनों को लगा लेकिन न्यूक्लियस सिर्फ एक का, तो फिर प्रॉब्लम ही नहीं हुई, क्योंकि अगर दोनों के डीएनए मैच नहीं हो पाते थे ना, दोनों को डीएनए को हम मैच नहीं कर पाते थे, इसलिए हमने क्या किया, सिर्फ एक का ही डीएनए यूज किया, एक के डीएनए में तो काम हो जाएगा, दूसरे का डीएनए हमने हटा दिया है, क्योंकि दूसरा डीएनए भी हम लेंगे तो दोनों में झगड़ा हो जाएगा, नहीं भाई ऐसे नहीं हो सकता, मेरे को भी आना है, मेरे को भी आना है बोल के। तो फिर हमने सिर्फ एक का डीएनए यूज किया, वो कैसे किया, हमने एक प्रोटोप्लास्ट का न्यूक्लियस ही निकाल दिया जिससे प्रॉब्लम ही ना हो कुछ। तो ये साइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस ने जन्म लिया, क्योंकि सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन कराने में प्रॉब्लम होती थी, हाइब्रिड नहीं बना पाते थे हम लोग, ठीक है। तो साइब्रिडाइजेशन की मेथोडोलॉजी क्या है, अब मेथोडोलॉजी देखते हैं थोड़ा सा। अब
बाय स्टेप अगर देखा जाए इसकी प्रोसेस को, तो पहले तो आपको प्रोटोप्लास्ट की जरूरत है। एक अच्छा प्रोटोप्लास्ट चाहिए स्वस्थ पौधे का। प्रोटोप्लास्ट जो है आपका कैसा होना चाहिए उसे देखते हैं। सबसे पहला जो है वो क्या लिखे, ये वो क्या बताया जा रहा है कि द प्रोटोप्लास्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म डोनर स्पीशीज आर इराडिएटेड विथ एक्सरे और गामा रेस। इराडिएटेड, यहाँ पर जो वर्ड यूज किया गया है उसका मतलब मैं आपको बता देती हूँ, एक सेकेंड। हम लोग क्या करेंगे, जो प्रोटोप्लास्ट, वो प्रोटोप्लास्ट हमारा जिससे हम लोगों को क्या लेना है, साइटोप्लाज्म लेना है। साइटोप्लाज्म तो दोनों प्लास्ट प्रोटोप्लास्ट लेना है, क्योंकि साइटोप्लाज्म की संख्या ज्यादा रहेगी, मतलब जो मात्रा है, जो क्वांटिटी है साइटोप्लाज्म की, दैट विल बी हाई। ठीक है, तो जो साइटोप्लाज्म हम लोगों को प्रोटोप्लास्ट से मिल रहा है, उस साइटोप्लाज्म को जो प्रोटोप्लास्ट, द प्रोटोप्लास्ट ऑफ साइटोप्लाज्म डोनर स्पीशीज, उस पे हम एक्सरेज डालेंगे। एक्सरेज नहीं है तो हम गामा रेज डालेंगे। ठीक है, अब ये क्यों डाल रहे हैं, दिस ट्रीटमेंट रेंडर्स द प्रोटोप्लास्ट इनएक्टिव एंड नॉन डिवाइडिंग, जिसकी वजह से क्या होगा, जैसे हम एक्सरे और गामा रेज को हम अपने प्रोटोप्लास्ट में डालेंगे तो हमारा जो प्रोटोप्लास्ट है वो क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। पहले वो एक्टिव था, उसको हमने इनएक्टिव कर दिया। ठीक है, और साथ ही साथ इनएक्टिव होने के साथ साथ वो क्या हो जाएगा, नॉन डिवाइडिंग भी हो जाएगा। नॉन डिवाइडिंग करना भी जरूरी है। क्यों जरूरी नॉन डिवाइडिंग करना, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपका प्रोटोप्लास्ट जो है जैसा है वैसा ही रहे। उसमें अगर लगातार सेल डिवीजन होते रहेगा तो प्रोसेस नहीं हो पाएगी ना ढंग से, अच्छे से नहीं हो पाएगी प्रोसेस, इसलिए हमको नॉन डिवाइडिंग से भी मतलब है। तो एक्सरे और गामा रे जैसे ही हमने हमारे प्रोटोप्लास्ट को दिया, वो इनएक्टिव हो गया और नॉन डिवाइडिंग स्टेट में चले गया। लेकिन फिर भी उनका एक चीज है जो काम का है, वो है साइटोप्लाज्म। वो प्रोटोप्लास्ट अपना साइटोप्लाज्म दे सकता है, अच्छे से डोनेट कर सकते हैं अपना साइटोप्लाज्म को। ठीक है, तो हमने उसे इनएक्टिव करके, नॉन डिवाइडिंग करके, हमने उसके साइटोप्लाज्म को लेना है हमको। हमने कैसे किया उसे इनएक्टिव और नॉन डिवाइडिंग, एक्सरे और गामा रेस को देकर। सेकेंड चीज, अब सेकेंड क्या करेंगे, नॉर्मल प्रोटोप्लास्ट कैन बी डायरेक्टली फ्यूज्ड विथ ई न्यूक्लेटेड प्रोटोप्लास्ट। हमें क्या करना है, एक नॉर्मल प्रोटोप्लास्ट को एक ई न्यूक्लेटेड प्रोटोप्लास्ट के साथ फ्यूजन करवाना है। ई न्यूक्लेटेड प्रोटोप्लास्ट कैन बी आइसोलेटेड बाय हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूगेशन। अब ये जो ई न्यूक्लेटेड प्रोटोप्लास्ट है, अर्थात ऐसा प्रोटोप्लास्ट जिसके अंदर से न्यूक्लियस निकला हो। न्यूक्लियस को कैसे निकालेंगे हम लोग, न्यूक्लियस कैसे निकालेंगे हम लोग, निकालेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे जिसके द्वारा हम लोग हमारे प्रोटोप्लास्ट से उसके न्यूक्लियस को अलग कर लेंगे, जिससे वो इन्यूक्लेटेड प्रोटोप्लास्ट कहलाएगा। ठीक है, थर्ड चीज, प्रोटोप्लास्ट आर इनएक्टिवेटेड बाय मेटाबॉलिक इनहिबिटर सच एज आयोडो एसिटेट। अब ये जो प्रोटोप्लास्ट हैं जिनका हमको क्रॉस करवाना है, फ्यूजन करवाना है, इन प्रोटोप्लास्ट, दोनों प्रोटोप्लास्ट, एक इन्यूक्लेटेड और एक नॉर्मल वाला, दोनों को हमको क्या करना है, इनएक्टिव करना है। मतलब कार्य करते हुए रहे वैसा नहीं दिखाना है, इनएक्टिव दिखाना है हम लोगों को। तो इनएक्टिव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ मेटाबॉलिक इनहिबिटर डालेंगे। इनहिबिटर मतलब जो रोकता है, रेजिस्ट करता है। तो कुछ मेटाबॉलिक अवरोधक जो है हम वो डालेंगे, मेटाबॉलिक इनहिबिटर मतलब मेटाबॉलिक आपके अवरोधक, अवरोध डालेंगे कार्य करने को लेकर जो। तो किसको यूज करेंगे मेटाबॉलिक इनहिबिटर के रूप में, तो यूजुअली आपका आयोडो एसिटेट यूज किया जाता है। ठीक है, अब इन प्रैक्टिस आयोडो एसिटेट ट्रीटेड प्रोटोप्लास्ट आर फ्यूज्ड विद एक्सरेज इरेडिएटेड प्रोटोप्लास्ट फॉर मोर एफिशिएंट फॉर्मेशन ऑफ साइब्रिड। अब आपने आयोडो एसिटेट भी यूज कर लिया, अब जो बचे खुचे जो और एक्टिविटीज हो रही थी आपके प्रोटोप्लास्ट के अंदर, वो भी इनएक्टिव हो गई। पहले तो आपने क्या किया, एक्सरे दिया,
गामा रे दिया और उसे इनएक्टिव करके नॉन डिवाइडिंग स्टेट में ला लिया। अब आप क्या किए, इन्यूक्लिएटेड करना है, मतलब न्यूक्लियस को निकालना है, उसके लिए आप सेंट्रीफ्यूज किए। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद आप अपने प्रोटोप्लास्ट में मेटाबॉलिक इनहिबिटर, मेटाबॉलिक अवरोधक डालेंगे, जो आपका कैसा रहेगा, क्या चीज को यूज करेंगे, आयोडो एसिटेट को यूज कर सकते हैं। अब क्या करेंगे आप, आयोडो एसिटेट जैसे यूज करेंगे तो ये एक तो मेटाबॉलिक इनहिबिटर रहते हैं, तो ये पूरी कार्यों को रोक देते हैं, प्रोटोप्लास्ट में जो कार्य चलते रहते हैं उनकी रोकथाम कर देते हैं, रोक देते हैं उन्हें। उसके बाद क्या होगा, रोक देने के बाद ताकि जो आपका प्रोटोप्लास्ट है वो इनएक्टिव रहेगा, अगर वो कार्य करता रहेगा तो वो अपना जुड़ने का कार्य अच्छे से नहीं कर पाएगा, फ्यूज नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर हम उसे ऐसे स्टेज में ला दें जिसमें वो इनएक्टिव हो जाए बहुत ज्यादा, तो वो फ्यूज होने में ज्यादा टाइम नहीं लगाएगा, जल्दी से फ्यूज भी हो जाएगा। ठीक है, इट इज पॉसिबल टू सप्रेस न्यूक्लियर डिवीजन इन सम प्रोटोप्लास्ट एंड फ्यूज देम विद प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन विद नॉर्मल फ्यूज देम विद नॉर्मल प्रोटोप्लास्ट। तो अब हमारे पास एक इन्यूक्लिएटेड भी है, नॉर्मल वाला भी है, दोनों एक इनएक्टिव फॉर्म में। अब हम क्या करेंगे, दोनों को फ्यूज करवाएंगे। दोनों फ्यूज हुए, फलस्वरूप क्या बना, नया जो प्रोटोप्लास्ट बना वो बना आपका साइब्रिड। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके साइब्रिडाइजेशन की प्रक्रिया हो रही है, जिसमें आपका साइब्रिड का निर्माण हो रहा है। कैसे साइब्रिड का निर्माण हो रहा है, प्रोटोप्लास्ट को सबसे पहले तो इनएक्टिव करना होगा, नॉन डिवाइडिंग स्टेट में लाना होगा जिसमें कोई कोशिका विभाजन ना हो रहा हो। इसके लिए आपने एक्सरेज और गामा रेज दिया। उसके बाद आपको न्यूक्लियस को, एक प्रोटोप्लास्ट के न्यूक्लियस को निकालना है, तो उस प्रोटोप्लास्ट के न्यूक्लियस को निकालने के लिए आप क्या करेंगे, उस प्रोटोप्लास्ट का बार बार सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस करेंगे, जिससे उसका न्यूक्लियस जो है वो सेपरेट हो जाए और हमारे पास सिर्फ प्रोटोप्लास्ट ही रह जाए। अब उसके बाद तीसरे नंबर पे हम क्या करेंगे, प्रोटोप्लास्ट में मेटाबॉलिक इनहिबिटर जैसे कि आयोडो एसिटेट डालेंगे, ताकि आयोडो एसिटेट जो है वो क्या करे, आपका मेटाबॉलिक इनहिबिटर के जैसे कार्य करे और जो भी उपापचय की क्रिया है, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, उसको रोके प्रोटोप्लास्ट में, ताकि उस समय हम फ्यूज करा सकें दोनों प्रोटोप्लास्ट को। ठीक है, तो ये था आपका साइब्रिड बनने की प्रक्रिया, साइब्रिड कैसे बना करके। अब हम लोग कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे कि क्या क्या एप्लीकेशन होते हैं। एक सबसे पहले तो हम एप्लीकेशन देखेंगे सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन का, मतलब सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है, जब दो प्रोटोप्लास्ट को हम फ्यूज कराते हैं, कोई इसमें ये नहीं बोला गया है कि इन्यूक्लिएटेड या साइटोप्लाज्मिक ओनली। नॉर्मली प्रोटोप्लास्ट को हम क्या कराते हैं, जब फ्यूज कराते हैं, तो वो प्रोसेस कहलाती है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इसमें सबसे पहला जो एप्लीकेशन है आप लोगों का, एप्लीकेशन के अंतर्गत जो सबसे पहला एप्लीकेशन है वो है आप लोगों का डिजीज रेजिस्टेंस। डिजीज रेजिस्टेंस में क्या बताया, सेवरल इंटर स्पेसिफिक एंड इंटर जेनेरिक हाइब्रिड्स विद डिजीज रेजिस्टेंस हैव बीन क्रिएटेड। मेनी डिजीज रेजिस्टेंस जीन्स, टोबैको मोजेक वायरस, पोटैटो वायरस, क्लब रॉट डिजीज कुड बी सक्सेसफुली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन स्पीशीज टू अनदर। रेजिस्टेंस हैड बीन इंट्रोड्यूस्ड इन टोमेटो अगेंस्ट डिजीज सच एज टीएमवी, स्पॉटेड वाइल्ड विल्ट वायरस एंड इंसेक्ट पेट्स। अब मान लीजिए आपके पास दो पौधे हैं, टमाटर का पौधा है जिसमें आपका बीमारी नहीं लगता है, और ये आपका टोबैको का प्लांट है जिसमें बीमारी लगती है, तो आप क्या करेंगे, आप सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन का यूज करके इन इनका इसका और इसका प्रोटोप्लास्ट को मिक्स करके क्या करेंगे, फ्यूज करवाएंगे। फ्यूज कराने से इन इसके प्रोटोप्लास्ट में क्या है, वो जीन है जो कि कैसा है, बीमारी नहीं होने देता, और इसके में वो प्रोटोप्लास्ट है जो बीमारी होने देता है। तो दोनों का मिला के जो फ्यूज करा के नया प्रोटोप्लास्ट बनेगा, उसमें ऐसा जीन आ जाएगा जो बीमारी क्रिएट नहीं करता है, जिससे इससे आप जो प्लांट उगाएंगे आप टोबैको का पुराना नया वाला, तो कैसा वाला प्लांट उगेगा जिसमें वो बीमारी नहीं होती थी जो पहले हो रही थी। तो एक डिजीज के रेजिस्टेंस के रूप में यूज कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल टॉलरेंस के रूप में, कि बहुत ज्यादा ठंड हो, बहुत ज्यादा सॉल्टी इन्वायरमेंट, बहुत ज्यादा नमक वाला इन्वायरमेंट, या तो फिर फ्रॉस्टिंग वाला हो गया हो, तो फिर उसे भी सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। कि टॉलरेंस कितना है,
जैसे टमाटर का पौधा है वो इतने से कम टेम्परेचर में नहीं रह सकता, 2 डिग्री टेम्परेचर लास्ट तक, 2 डिग्री से कम टेम्परेचर होता है तो वो नहीं रह पाता है एग्जाम्पल के लिए। तो उस प्लांट को टॉलरेट करवाना सिखाना पड़ेगा, सहन शक्ति उसकी बढ़ाने के लिए भी हम सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन करवा सकते हैं। इसके बाद तीसरा जो है